नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। इसका क्वेश्चन आंसर, बच्चों क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेस्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेस्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के इनके राइटर शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं और इससे पहले भी क्लास 7 का बहुत चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, जैसे दादी माँ, हिमालय की बेटियां, रक्त और हमारा शरीर, कठपुतली और बहुत सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ, समरी भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवज नागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आसानी से उस चैप्टर को आप पढ़ पाएंगे। और अभी मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर आप लोग का इसमें है। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है, मतलब पिंजरे में रहना उसे पसंद नहीं है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, करवी निभौरियां खाना, करवी निभौरियां बोलते हैं जो नीम के करवे फल होते हैं, वृक्ष के सबसे ऊंची डाल पर झूलना, अनार के दानों रूपी तारों को चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के वृक्ष की करवी निबौरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं और आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं, मतलब जो है आसमान में उड़ना चाहते हैं। अब भाव स्पष्ट करने के लिए आप लोग को आएगा, भाव स्पष्ट यह रहेगा, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। तो इसका भाव किस तरह से स्पष्ट किया जाता है? तो उत्तर इस प्रकार है, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होर हो जाती। क्षितिज आप लोग जानते होंगे, जहां पर आसमान और धरती, ऐसा लगता है कि जब दूर देखते हैं तो आसमान और धरती जब मिलता हुआ दिखता है उसी को क्षितिज कहा जाता है। तो इसमें भाव स्पष्ट करने के लिए कहा है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। आगे कविता के आगे का है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, उत्तर, पक्षियों का पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो इच्छाएं भी वैसी ही दी है। वे हरदम स्वच्छंद रहना चाहते हैं, अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी प्रवृत्ति है। उनके बंधन हेतु पिंजरे भले ही सोने के क्यों ना हो, बढ़िया से बढ़िया खाने के पदार्थ उन्हें पड़ोस पड़ोसे जाएं, लेकिन यही सत्य है कि बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधाओं से, कठिनाइयों से भरी आजादी श्रेष्ठ है। खौका, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? तो इसको आप लिख सकते हैं,
अगर कोई पक्षी पाला है तो हाँ, हमने एक बार तोता पाला था। मेरे पिताजी उसे मेले से खरीद कर लाए थे। पक्षी की परवरिश एक छोटे बच्चे की भांति ही की जाती है। मेरी माँ सुबह सुबह उसे पिंजरे समेत घर के बाहर बगीचे में ले जाती। वह बाहर का वातावरण देखकर प्रसन्न हो जाता और जोर जोर से पंख फड़फड़ाता। हम उसे नहलाते भी थे। माँ उसे बाजरा देती और कटोरी में पानी, अमरूद, अंगूर और हरी मिर्च तो बहुत चाव से खाता। धूप थोड़ी सी तेज होने पर वह सिकुड़ कर बैठ जाता। हम उसे अंदर कमरे में ले जाते। बिल्ली या कुत्ते आदि जानवरों से उसे बचाना पड़ता था। रात को उसके पिंजरे पर कोई कपड़ा डाल देते तो वह बैठे बैठे ही सो जाता था। अब प्रश्न संख्या दो है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उसकी आजादी का हनन होता है क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं जिससे उसकी आजादी तो समाप्त ही हो जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्ढा खाता है, टिड्ढे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्ढों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्ढे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। अनुमान और कल्पना, इसके तहत भी प्रश्न रहेगा कि आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो यह आप लोग लिख भी सकते हैं या इसमें भी इस तरह से प्रश्न दिया गया है। तो इसका उत्तर इस तरह है कि यह कहना गलत नहीं कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैले गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर, अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं होगा रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। तो नोट में दिया गया है, इन्हीं विचारों के आधार में वाद विवाद कीजिए। प्रश्न संख्या दो, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, आवास का मतलब घोंसला, और किसी कारणवश उसको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? तो उत्तर है, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम संभवतः प्रयास तो यह करेंगे कि घोंसले को छेड़ा ना जाए और उस पक्षी के बाहर आने जाने का स्थान भी खुला रहे। लेकिन यदि ऐसा ना हो पाए तो हम घोंसले को सावधानी पूर्वक उठाकर घर के बाहर किसी ऊंचे स्थान पर रखेंगे जहां उस पक्षी की नजर पड़ सके। भाषा की बात है। प्रश्न, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। उत्तर, कनक तिलियां। दूसरा, कटुक होगा निवौरी, तारक अनार। प्रश्न संख्या दो, भूखे प्यासे में द्वंद समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह ब्रैकेट में दिया हुआ है, डैश के जैसा कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, तो भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, सुबह शाम, डैश का ही मतलब हो गया और, सुबह और शाम, अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, तन मन, तन और मन, दूध दही, दूध और दही, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आगे का प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर रहेंगे।
पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का उद्देश्य क्या है? उत्तर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में शिव मंगल सिंह सुमन ने यह कहना चाहा है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। इसे कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है कि यदि हम पक्षियों को सोने के पिंजरे में बंद कर दें और सोने की कटोरी में मैदा खाने को दें तो भी वे उसे पसंद नहीं करते। पक्षियों का स्वभाव खुले आसमान में विचरण करना, लंबी उड़ानें भरना, बहता जल पीना व नीम की कड़वी निवौरियां खाना है। उन्हें बंधन पसंद नहीं है, इसलिए पक्षी चाहते हैं कि भले ही उन्हें रहने को घोंसला या टहनी का सहारा न मिले, लेकिन यदि ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में कोई बाधा न डाले। मनुष्य की भी यही प्रवृत्ति है, यह अभावों में जीवन जी सकता है लेकिन बंधन में नहीं। प्रश्न संख्या दो, पक्षी ऊंची उड़ान हेतु क्या क्या न्योछावर करने को तैयार है? उत्तर, पक्षी ऊंची उड़ान हेतु अपना घोंसला, टहनी का सहारा आदि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सुंदर पंख दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में कोई बाधा न डाले। प्रश्न संख्या तीन, अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पक्षी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं? उत्तर, नदी झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आकाश की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुनगी पर झूलने, कर्मी निवौरियां खाने और अनार रूपी दाने चुगने हेतु पक्षी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं। प्रश्न संख्या चार, यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? उत्तर, यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रहकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाए, सभी व्यर्थ होती है। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से सभी कार्य कर सकते हैं, जबकि परतंत्रता में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। प्रश्न संख्या पांच, इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि पशु पक्षी हो या मानव, किसी को भी परतंत्रता पसंद नहीं, स्वतंत्रता ही सबको भाती है। यदि किसी कारणवश परतंत्रता की बेरियां पड़ जाए भी जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।